साथियों जय किसान, मैं आपका रवि आजाद। साथियों आप सबको जानकारी है, तमाम मांगों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में आंदोलन की तैयारी कर रहा है। पिछले दिनों 26 जनवरी को जींद में उत्तर भारत की महापंचायत हुई, पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च हुए। अब आगे का निर्णय लेते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि आगामी 20 मार्च को लाखों की संख्या में देश भर के किसान, नौजवान, मजदूर, हमारी माताएं बहनें लाखों की संख्या में दिल्ली जाएंगे, विशाल किसान महापंचायत करेंगे। संसद में जो बजट सत्र चल रहा है और बजट जो किसान विरोधी पेश हुआ है उसके ऊपर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून, एमएसपी गारंटी कानून के साथ में बिजली बिल, लखीमपुर खीरी कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का पद से इस्तीफा, किसानों की पेंशन, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की लूट बंद हो, मुआवजा, बीमा क्लेम, फर्जी मुकदमे वापिस हो, जिन शहीद परिवारों को मुआवजा नहीं मिला उनको मुआवजा मिले, इन सब मुद्दों को लेकर के आगामी 20 मार्च को लाखों की संख्या में हमें दिल्ली की ओर कूच करना है और बड़े आंदोलन की शुरुआत करनी है। संसद के सामने किसान जाएंगे बजट सत्र के दौरान और वो अपनी मांगों को लेकर के सरकार से सवाल करेंगे और आगामी आंदोलन की रणनीति और रूपरेखा वहीं से बनेगी। मैं तमाम किसान संगठनों से, सम्मानित खापों से, मजदूरों के संगठनों से, ट्रेड यूनियनों से और सभी किसानों और नौजवानों से यह अपील करता हूं कि 20 मार्च का जोरदार प्रचार सोशल मीडिया पे भी करें और जोरदार तैयारी करें और आगामी जो 20 मार्च है, दिल्ली कूच है, वो एक बड़ा कदम है और एक बड़े आंदोलन की शुरुआत वहां से संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है।